तेलंगाना स्टेट की जो सर्वे की गई है, आइए देखते हैं उसी की एक रिपोर्ट। तो शुरुआत करते हैं भुवनगिरी से, जहां पर भुवनगिरी में दो सीटें हैं और एक सीट कांग्रेस के खाते में और एक टीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों वैसे जो बीआरएस है वही टीआरएस है, इसे ज़्यादातर लोग अभी भी टीआरएस कहते हैं, इसीलिए हम भी टीआरएस ही कह रहे हैं। अब बात करते हैं वरंगल की। वरंगल दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक अर्बन और एक ग्रामीण। यहाँ पर पाँच सीटें आते हैं, पाँच में से तीन कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और दो टीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अब आता है वनपर्ती। वनपर्ती में सिर्फ एक सीट है और ये टीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अब आता है विखाराबाद। विखाराबाद में चार सीटें हैं दोस्तों, जहां पर तीन कांग्रेस के खाते में और एक टीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वैसे दोस्तों जो जगहों पर खेती बाड़ी है, जहां पर किसान रहते हैं, वहां पर कांग्रेस का अच्छा दबदबा बना हुआ है दोस्तों। और वो जगह जहां पर भारत जोड़ो यात्रा गुजरी है, उस रास्तों पर भी, उस जगहों पर भी कांग्रेस का अच्छा बोलबाला है दोस्तों। अब बात करते हैं सूर्यापेट, जहां पर चार सीटें हैं और तीन कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और एक टीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अब आता है सिद्दीपेट। सिद्दीपेट में भी चार सीटें हैं दोस्तों, जहां पर दो कांग्रेस के खाते में और दो टीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अब आता है संगारेड्डी, जहां पर पांच सीटें हैं, पांच में से तीन सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और दो टीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और रंगारेड्डी, रंगारेड्डी में आठ सीटें हैं दोस्तों, जहां पर चार कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और तीन टीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और यहां पर बीजेपी का खाता खुल रहा है, एक सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अब आता है श्रीसाइलम, जहां पर दो सीटें हैं दोस्तों, दो में से एक कांग्रेस के खाते में जा रही है और एक टीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अब आता है पेद्दापल्ली। पेद्दापल्ली में तीन सीटें हैं दोस्तों, जहां पर दो कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और एक टीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और अब आता है निर्मल। निर्मल में तीन सीटें हैं दोस्तों और ये तीन के तीन कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अब आता है नलगुंडा। नलगुंडा में छह सीटें हैं दोस्तों, छह सीटों में से तीन कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और तीन टीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अब आता है नागर कर्नूल। नागर कर्नूल में तीन सीटें हैं दोस्तों और तीन में से दो कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और एक टीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अब आता है मलकाजगिरी। मलकाजगिरी में पांच सीटें हैं दोस्तों, पांच में से चार कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और एक टीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वैसे ये एक का भी डाउट ही है दोस्तों। इसके बाद आता है मेदक। मेदक में दो सीटें हैं दोस्तों और ये एक कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और एक टीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आता है मंचारियल। मंचारियल में एक सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, एक टीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और एक बीजेपी के खाते में नजर आती है आ रही है दोस्तों। यहाँ पे हर पार्टी इक्वल में है। इसके बाद आता है महबूबनगर। महबूबनगर में पांच सीटें हैं दोस्तों, जहां पर चार कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और एक टीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आता है महबूबाबाद, जहां पर दो सीटें हैं दोस्तों, दो में से एक कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और एक टीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आता है कोमारम। कोमारम में दोस्तों दो सीटें हैं और एक कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और एक टीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आता है कमम। कमम में पांच सीटें हैं दोस्तों, पांच में से तीन कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और दो टीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आता है करीमनगर। करीमनगर में टोटल चार सीटें हैं दोस्तों, चार में से तीन कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और एक टीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आता है कामारेड्डी, जहां पर तीन सीटें हैं दोस्तों और दो कांग्रेस के खाते में और एक टीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आता है गदवेल, जहां पर दो सीटें हैं दोस्तों और एक कांग्रेस के खाते में और एक टीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। इसके बाद आता है भूपनपल्ली, जहां पर दो सीटें हैं और एक कांग्रेस के खाते में और एक टीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। इसके बाद आता है जनगांव, जहां पर तीन सीटें हैं और दो कांग्रेस के खाते में और एक टीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आता है जगतियाल, जहां पर तीन सीटें हैं दोस्तों और दो कांग्रेस के खाते में और एक टीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आता है हैदराबाद, जहां पर कुल मिला के 15 सीटें हैं दोस्तों और यहां पर कांग्रेस के खाते में सिर्फ तीन सीटें जाती हुई नजर आ रही है और टीआरएस के खाते में चार सीटें जाती हुई नजर आ रही है और बीजेपी का भी यहाँ पर एक सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अन्य का यहाँ पर खाता खुल रहा है और अन्य पार्टियों के खाते में तकरीबन सात सीटें जाती हुई नजर आ रही है और ये सात सारे के सारे हो सकता है एमआईएम में ही जाए। और यहाँ पर इसके बाद आता है दोस्तों निज़ामाबाद। निज़ामाबाद में छह सीटें हैं दोस्तों, जहाँ पर तीन कांग्रेस के खाते में और तीन टीआरएस के खाते में जाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद आता है आदिलाबाद, जहाँ पर दो सीटें हैं और दोस्तों और ये दो के दो कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है।
इसके बाद आता है कुत्तागुड़म, जहां पर 5 सीटें हैं दोस्तों, जिसमें 2 कांग्रेस के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है और 2 टीआरएस के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है और बीजेपी के खाते में 1 जाती हुई नज़र आ रही है और अन्य का यहां पर खाता नहीं खुल रहा है दोस्तों। ये सब के बाद दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस काफ़ी मजबूत पोजिशन पर नज़र आ रही है और कांग्रेस अपनी सरकार बनाती हुई नज़र आ रही है। और जो हर बार तेलंगाना में किंग मेकर का रोल निभाते हैं MIM, इस बार कोई ऐसा किंग मेकर का रोल निभाते हुए नज़र नहीं आ रहे दोस्तों, क्योंकि कांग्रेस अपनी जो सरकार बनाने की पोजीशन है उससे ज़्यादा सीटों से आगे दिख रही है और बीजेपी यहां पर ना के बराबर है दोस्तों। टीआरएस अपनी सरकार यहां पर नहीं बना सकती, उसके काफ़ी कम सीट्स है, लेकिन काफ़ी मजबूत पोजिशन पर TRS भी नज़र आ रही है दोस्तों। इसके बारे में आपका क्या कहना है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।